हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके लिए फेज 3 के बारे में बताना चाहता हूं। और ये आप देख सकते हैं जो डाउनलोड फेज 3 एग्जाम नोटिस है वो भी आ चुका है यहां पर। ये देखिए गाइस, आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं मैं, और ये किस हिसाब से आपका आ रहा है ये सब मैं आपको बताना हूं इस वीडियो में। ये देखिए, ये 4 डे ये इसका कॉल लेटर आ चुका है पूरा। 4 डेज मतलब 4 दिन बाद इसका आ जाएगा एडमिट कार्ड, यहीं पर लिंक आ जाएगा गाइस। और जो इसका जो अल्फ़ाबेट का हिसाब चल रहा है, जो फर्स्ट में आए थे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ABCDEFGHI, आई तक इसमें फर्स्ट जो इसका फेस था उसमें अल्फ़ाबेट आए थे आई तक, मतलब ए से जैसे अमन हो गया नाम, इस तरीके के नाम आई तक जो नाम आते हैं वो फर्स्ट फेज में आए थे। सेकेंड फेज में क्या हुआ है गाइस, जो आई के बाद सॉरी जी तक आए थे, और इसमें एच के बाद एम तक इसमें आने वाले हैं सेकंड फेज में। एच से लेके एम तक जितने भी अल्फ़ाबेट से नाम आ रहे हैं वो सब इसका आएगा। और सेकंड जो थर्ड फेज है इसका, थर्ड फेज में एन के बाद जितने लेटर्स आ रहे हैं उनका सबका होगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से। और बाकी जो फोर्थ फेज होगा इसका, क्योंकि इसमें 4 फेज हैं, फोर्थ फेज होगा उसमें लास्ट के जो भी अल्फ़ाबेट बचेंगे वो आ जाएंगे गाइस। तो इस तरीके से इसका शेड्यूल बनेगा रेलवे NTPC का, इसी तरीके से आपके नाम आएंगे। अब आप हिसाब लगा सकते हैं, पहले फेज में आया है ABCDEFG तक, FG तक आया है, और उसके बाद में सेकेंड फेज में आया है HIJKLMNO तक, और थर्ड फेज में आएगा PQRSTU तक आएगा गाइस, टी तक आएगा समझ लो। और उसके बाद जो फोर्थ पेज होगा वो UBWXYZ, जितने भी होंगे क्लियर हो जाएगा सब। तो यही आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर करा दिया, यही मैं बता रहा था आपके लिए। तो इस वीडियो से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।